बीजेपी विधायक नीतीश राणे के एक बयान पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के मालेगांव विधायक मुफ्ती इस्माइल कासिम काफी भड़के हुए हैं। उन्होंने नीतीश राणे को चुनौती दी कि उनकी हिम्मत है तो वह मालेगांव की मस्जिद में आकर दिखाएं, अगर वे अंदर आए तो बाहर नहीं निकल पाएंगे। AIMIM की गुजरात इकाई के फेसबुक पर एक वीडियो शेयर किया गया है जिसमें कासिम नीतीश के बारे में कहते हैं कि जो बकवास करते हैं वह हवा हवाई है, उनकी क्या उसके बाप की भी हिम्मत नहीं है कि वह मस्जिद में आकर किसी को मारे, वह आएगा तो वापस नहीं जाएगा। मुसलमान कोई चूड़ी पहनकर नहीं बैठे हैं और ना ही मुसलमान बुजदिल हैं, हम कानून हाथ में नहीं लेना चाहते। कासिम ने आगे कहा, अगर हम कानून हाथ में लेते तो रामगिरी महाराज को भी पता चल जाता और नीतीश राणे जैसे मुंहफट को भी औकात बता देते। हम मुसलमान हैं और हम कानून हाथ में नहीं ले सकते, इसका मतलब यह नहीं कि कोई कुछ भी बोले। नीतीश को चुनौती देते हुए कासिम ने कहा कि अगर हिम्मत है तो मालेगांव की मस्जिद में घुसकर बताए, अंदर आना उसके इख्तियार की बात होगी लेकिन निकल नहीं पाएगा। इस तरह का भड़काऊ भाषण देकर सरकारी सरपरस्ती में दंगा कराना चाहता है। सरकार से अपील करता हूं कि ऐसे लोगों पर लगाम लगाएं, कानून का पालन ज़रूरी है। सरकार से मांग है कि ऐसा कानून बनाया जाए कोई किसी के मजहब को लेकर कुछ ना बोल पाए। नीतीश राणे ने अहमदनगर में एक कार्यक्रम में कहा था कि जिस भाषा में समझते हो ना उसी भाषा में धमकी देकर जाता हूँ, हमारे रामगिरी महाराज के खिलाफ अगर कुछ भी किया तो तुम्हारी मस्जिदों के अंदर चुन चुन कर मारेंगे। इस मामले में नीतीश राणे के खिलाफ FIR भी दर्ज की गई है। बता दें कि नीतीश राणे पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद नारायण राणे के बेटे हैं।